हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर और आज हम एडिटिंग की एक और एक्सरसाइज करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग देम। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो रॉन्ग हैं, आपने उन्हें करेक्ट करना है। नंबर वन, ही गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर आप इसे करेक्ट करेंगे और लिखेंगे ही गोज टू स्कूल एवरी डे। देखिए, ही के साथ आपने जब भी वर्ब को यूज़ करना होता है तब आपने उसके साथ एस या ई एस लगाना होता है, ओके। इसलिए आपने यहाँ पर गो की जगह गोज लिखना है। नंबर टू, शी गोज़ टू स्कूल नाउ। देखिए, यहाँ पर शी के साथ गोज तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर टेंस जो है वो रॉन्ग यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। देखिए, यहाँ पर नाउ लिखा हुआ है, ओके। इसलिए आपने लिखना है शी इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, ओके। जब भी आपने नाउ वर्ड यूज़ करना है वहाँ पर आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। नंबर थ्री, लुक दे कम टूवर्ड्स अस। यहाँ पर भी वही मिस्टेक है, यहाँ पर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करना है और ये सेंटेंस बनेगा लुक दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस, ओके। देखिए, यहाँ पर हमने लिखना है दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस, इसका मीनिंग है कि देखो वे हमारी तरफ आ रहे हैं। कमिंग टूवर्ड्स अस का मीनिंग है कि हमारी तरफ आ रहे हैं। नंबर फोर, Now I am hearing her clearly. तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आपने लिखना है Now I hear her clearly. और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए वर्ब जो hear यूज़ करी गई है उसे हमने कभी भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में यानी कि ing के साथ यूज़ नहीं करना होता है, ओके। आपने इस रूल को अच्छी तरह से याद रखना है, hear वर्ब को आपने ing के साथ यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पर आपने लिखना है नाउ आई हेयर हर क्लियरली। नंबर फाइव, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसे आप किस तरह से करेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ओके। यहाँ पर आपने राइज की जगह राइजेस लिखना है और सेट की जगह सेट्स लिखना है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट। थैंक यू।